मंगलवार को जिला तहसील भवन में स्थित सभागार राज्य आपदा प्रबंधन और प्रशासन की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से आपातकाल के दौरान इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी लगाया गया, जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर उपकरणों के बारे में जाना और देखा। साथ ही प्रदर्शनी में लगी टीमों को इन उपकरणों और अपने कार्य करने के बारे में जानकारी देते रहे। प्रदर्शनी में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों द्वारा बाढ़, आग, जहरीली गैसों से बचाव और भूकंप में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के साथ कम्युनिकेशन जैसे उपकरणों को लगाया गया था। बाढ़ के दौरान जीवन सुरक्षा हेतु स्थानीय संसाधनों से निर्मित रक्षक जैकेट, राफ्ट, रबर बोट, संचार व्यवस्था के लिए QDA सैटेलाइट आदि उपकरणों का एग्जीबिशन लगाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट PL शर्मा ने कहा, इस एग्जीबिशन में हमने फ्लड के दौरान हम कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा अगर कोई कोलैप्स स्ट्रक्चर या कोई ऐसी हादसे होते हैं तो उसमें कौन से हम इक्विपमेंट हैं इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का एक प्रदर्शनी भी लगाया गया।